हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। हमने ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे आपको डेट सब्जेक्ट की सीरीज में। सारे टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमने ज्योमेट्री में दो वीडियोस हम देख बना चुकी हैं, एक बनाया था रेखाओं के ऊपर, दूसरा कोण के ऊपर, और अब हम आते हैं त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज मीन्स तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतल आकृति को ही हम त्रिभुज या ट्राइंगल कहते हैं। सो त्रिभुज या ट्राइंगल जिसमें तीन समतल आकृतियाँ तीन समतल रेखाखंड होते हैं और इससे घिरी हुई आकृति होती है, समतल होती है। अब हम बोल सकते हैं कि इन्हीं के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा और बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। अब हम कह सकते इसमें कुछ चीज़ें हैं कोणों से लेकर कि यह तो अगर हम कोण इसको देखें ध्यान से तो ये दो तिर्यक रेखा मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो तिर्यक रेखा होती है उसके थ्रू ये बनता है। तो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको तिर्यक रेखा के बारे में बताई थी वो सभी इस पर भी लागू होंगी। अब हम देखते हैं त्रिभुज का वर्ग क्या है। तो सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती है आपस में, तीनों भुजाएं समान होंगी, तो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो ए बी और सी, तो ए बी जो है वो बराबर है बी सी, बराबर है सी के, जब ये प्रॉपर्टी रहेगी तो बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, या इसी को कहते हैं आइसोस्केलन ट्राइंगल। इसमें कोई सी दो भुजाएं समान और तीसरी भुजाएं असमान होती है। मतलब अगर हमने बोला ए बी सी, तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होती है, तब हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु। और तीसरा होता है विषमबाहु या स्केलन ट्राइंगल। तो इसमें इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। मतलब अगर हमने बोला ए बी और सी, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों भुजाओं अलग अलग हों। ये तो था हमारा भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। किसी भी ट्राइंगल में तीन कोण होते हैं और सभी जो कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए तीनों, ठीक है, तब हम कहेंगे इसे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, जो एक है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होगा तब कहेंगे उसे समकोण, और तीसरा है आपका अधिक कोण। इसमें जो है एक कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये है आपका अधिक कोण। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं त्रिभुज के गुण। तो जो त्रिभुज है वो एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। मतलब अगर हम ये ट्राइंगल लिया है, इसे बाहर करेंगे तो ये वाला जो है और इन दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, और ये हो गया कोण। तो एंगल ए और एंगल बी को जब हम जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा एंगल ओ के, ठीक है। फिर त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होगा,
यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार और अर्धित करता है तो वह त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु होगा और समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं समान होती हैं। इसे मैं एक एक करके फिर से त्रिभुज के गुणों को समझा दूंगी। नेक्स्ट आता है अपना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे विकर्ण कहते हैं और 90 डिग्री वाला लंब होता है और कर्ण और लंब के जिस पे दोनों कोण बने हों उसे हम आधार कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कहा है कि अगर एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है तो जो कर्ण है उसका वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है वो इन दोनों को के वर्ग करके इसे जोड़ने के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की क्लासिफिकेशन देखा एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। फिर हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, इन प्रॉपर्टीज़ को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जब पूरा त्रिभुज पढ़ेंगे। दूसरा हमने पाइथागोरस प्रमेय देखी, इसे भी शॉर्टली में देखा है, इसे हम और आगे अच्छे से देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय।